नोएडा से लेकर गुड़गांव तक, कांदिवली से लेकर चर्च गेट तक, बैंगलोर एयरपोर्ट से इंट्रा सिटी के ट्रैवल तक हमें लग जाते हैं 2 घंटों से भी ज्यादा। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो कनेक्ट करेगी गुजरात के अहमदाबाद को महाराष्ट्र के मुंबई से सिर्फ 2 घंटों में। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन की। जहाँ इंडियन रेलवेज की एवरेज स्पीड है 70-80 किलोमीटर एन आवर। 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत की ऑपरेटिंग स्पीड है 120-140 किलोमीटर एन आवर और पिछले साल लॉन्च हुई नमो भारत की डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर एन आवर। और अब आ रही है भारत में एक ऐसी बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर, जो कवर करेगी 534 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटों में। बुलेट ट्रेन यानी 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये इंस्पायर्ड है जापान के शिंकांसेन ट्रेन से। जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी में ये ट्रेन तो आम सी बात है और बहुत जल्द अब इंडिया में भी ये एक आम बात ही होने वाली है। बुलेट ट्रेन्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रेन ट्रैवल और इस फ्यूचर को हकीकत में बदलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच 534 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें से 465 किलोमीटर वायाडक्ट के रूप में होगा, 10 किलोमीटर लंबे ब्रिजेस और एक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल, जिसमें 7 किलोमीटर थाने क्रीक से होकर समुद्र के नीचे से होगा। ये ट्रैक्स काफी हद तक तैयार हैं एंड ऑल दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। So out of 21 kilometers, 15 kilometer tunneling will be made through a tunnel boring machine. First time in India we are going to use a cutter head of 13.6 meter dia. ये bullet train project National High Speed Rail Corporation Limited यानी NHSRCL ने डेवलप किया है। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 stations, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमेटिक स्टेशन, जिसका मतलब है सूरत फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, तो वहाँ का स्टेशन डिजाइंड है अराउंड डायमंड्स। वापी इज डिजाइंड अराउंड अ फ्लोइंग रिवर। अहमदाबाद में आपको दिखेंगे वाइब्रेंट खाइट और साबरमती के स्टेशन पर आपको दिखेंगे गांधी जी के डांडी मार्च के इंस्टॉलेशन। This is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world. August 2026 में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑपरेशनल हो जाएगा एंड बाय 2028 इंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। पर इन सबसे पहले साबरमती में बनकर रेडी हो चुका है साबरमती मल्टी मोडल हब। There are 4 footover bridges, each connecting the multimodal hub or Sabarmati railway station, metro station, BRTS stand and Sabarmati bullet train station. साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टीमॉडल एंड कमर्शियल हब। Multimodal hub is exactly like an airport terminal. Yahan hai designated office spaces, commercial spaces, retail shops, jahan par passengers ke liye famous food chains aur restaurants mein khane ki facilities hongi. Just like an airport, dedicated pickup and drop-off bays honge. Building ka third floor would be a dedicated area for passengers offering amenities such as waiting areas, retail shops and restaurant. Yahan rooftop garden ek hidden gem hai. Nature aur modernity ka perfect blend. In line with sustainable practices, the hub incorporates green building features such as solar panels on the terraces and abundance of natural light providing passengers with scenic views of the surroundings. मुझे तो 2026 का बेसब्री से इंतजार है। बुलेट ट्रेन टर्मिनल दर्शाता है इंडिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को और इससे आपको झलक मिलेगी कि किस तरह होगा द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इन इंडिया।
For more such updates, keep following Curly Tales.